and how are you all? I hope you all are doing great. So guys, my name is Upasana and welcome back to my channel. Guys, आज का video is so much important as आज मैं बताऊंगी एक baby bassinet के बारे में जो कि कितना ज़्यादा important रखता है आपकी day to day life में. तो guys, आज का जो video है वो है baby hack और मैं आपको बताऊंगी एक baby bassinet. यहाँ पर मैंने Greco का baby bassinet लिया है, that is so much amazing. Right now जो मेरा baby है वो क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, तो डेट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू मतलब हैंडल हर एवरी टाइम. हम उसकी तरफ पूरे टाइम फोकस नहीं कर सकते. इफ आई एम गोइंग टू वॉशरूम और इफ आई हैव टू डू एनी वर्क, तो वो जो बेबी Greco है वो किस टाइम से काम आता है, किस तरीके से मेरी हेल्प करता है, वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है. सो लेट्स गो विद द वीडियो. गाइज, अब मैं आपको दिखाती हूँ बेबी बेसिनेट की उसमें कितनी सारी चीजें आपको मिली थी और किस टाइप से वो आपकी हेल्प कर सकता है अपने बेबी को सेफ रखने के लिए. तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ बेबी बेसिनेट. सो गाइज, दिस इज द बेबी बेसिनेट. एज यू कैन सी, द कंपनी इज Greco. एंड ये है बेबी का डायपर चेंजिंग स्टेशन. यहाँ पर आप इजिली बेबी को लिटा सकते हैं और आपका सारा जो सामान है वो आपके पास होना चाहिए अगर आपका बेबी है. दैट इज सो मच कंफर्टेबल. तो यहाँ पर इजिली हम बेबी को लिटा के उसका जो डायपर चेंजिंग है या मुझे उसकी मसाज करनी होती है, तो दिस इज द स्टेशन जहाँ पर मैं करती हूँ. और ये डिटैचबल है, ये सीधे अटैच भी हो सकता है और डिटैच भी हो सकता है. एज मैं भी आपको दिखाती हूँ, एज गाइज मैं इसको हटा भी सकती हूँ एंड इट्स वेरी इजी टू रिमूव इट. एज यहाँ पर एक बटन है, मैंने ये बटन दबाया एंड द सेम थिंग एक बटन यहाँ पर है. इजिली मैंने ये बटन हटाया एंड ये आपका पूरा अलग हट जाएगा. जब आपको बेबी को इसमें लिटाना हो तो आप इजिली इसमें लिटा सकते हैं, आप इजिली बेबी को इसमें लिटा सकते हैं. एंड डोंट कीप एनी थिंग जो भी बहुत ज्यादा डेंजरस है बेबी के लिए, वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं रखना चाहिए. दीज आर दी टीथर, जो भी बेबी की जब टीथिंग होती है तो दीज आर वेरी वेरी गुड थिंग. जब उसको मतलब टीथिंग होने लगती है तो दीज आर दी टीथर जो कि बहुत ही ज्यादा उसके लिए अच्छे है, कंफर्टेबल फील करते हैं. एंड नथिंग एल्स. एंड दिस इज द टॉय जो कि ऊपर है, अगर वो देखती है तो ये जो टॉय है ये इस तरीके से चलता है, तो उसको बेबी देखती है. इसमें एक साउंड भी है. एज सच गाइज, ये तो हो गया अगर आपका बेबी जब क्रॉल करता है, तो दिस इज द बेड. जब आपका बेबी क्रॉल करता है तो इसमें भी आप लिटा सकते हैं. एंड गाइज, अब वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपका बेबी चलने वाला हो गया है, अगर वो मतलब क्रॉल से भी ऊपर मतलब चलने वाला हो गया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि इसमें भी आपका बेबी ठहरेगा या रुकेगा, क्योंकि वो खड़ा भी हो जाएगा और वो कोशिश भी करेगा इससे बाहर आने की, तो डेट इज वेरी डेंजरस फॉर हिम और फॉर हर. तो गाइज, इसके लिए क्या है, देखिए मैं इसको भी हटा सकती हूँ इजीली.
ये पूरा रिमूव हो जाता है गाइस, और पूरा जो अभी ये पूरा बना हुआ है इसको हटाने के लिए काफी सारे पेज है वो जो हटाने होंगे, तो अभी हमें उसको हटाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मेरा जो बेबी है वो सिर्फ क्रॉल करता है। जब वो स्टैंडिंग हो जाएगा, मतलब जब स्टैंडिंग करने लग जाएगी, जब खड़ी होने लग जाएगी, तो हम इस चीज को रिमूव करके जो नीचे का सच में आपको नीचे का जो पोर्शन है वो दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, जब आपका मतलब ऊपर का जब क्रॉल का काम हो जाएगा तो आप इजीली अपने बच्चे को नीचे के साइड रख सकते हैं और इस पे पूरा गद्दा वगैरह लगाकर आप इजीली रख सकते हैं। सच अगर यहाँ से दिखा तो जैसा सेम ऊपर है वैसा आप नीचे भी बना सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन वाली बात है आपके बच्चे के लिए कि ये जो पूरा बेसिनेट है इतना ज़्यादा हेल्प करता है हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट दिस इज रियली वेरी गुड प्रोडक्ट। सो गाइज, आई होप यू विल लाइक दिस प्रोडक्ट, बिकॉज अगर आपके घर में बेबी है तो ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा हर एक चीज़ को ईजी और कम्फर्टेबल बनाने के लिए। तो अगर आपके पास बेबी है या इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, देन यू जस्ट हैव ऑल दीज थिंग्स, पहले से आप ये चीज़ें लेकर रख लीजिए, सो जब आपके पास बेबी आएगा तो सारी चीज़ कम्फर्टेबल हो जाएगी और सारी चीज़ आपको ईजी हो जाएगी। हेयर आई एम अलोन लिविंग विद माई हस्बैंड, बिकॉज मेरे मॉम डैड भी यहाँ पर नहीं आ पाए, हमारे मम्मी पापा जी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन नहीं आ पाए, तो जो भी चीज़ हम लोग ने मैनेज करी वो हर चीज़ हमने अलोन करी, एंड इट इज़ रियली वेरी ईजी। ऐसा कोई भी डिफिकल्टी नहीं पड़ी, हर एक हैक जो भी बेबी का है मैं आपको बताती जाऊंगी। तो दिस इज द ग्रेको बेबी बेसिनेट हैक था जो मैंने आज आपको बताया। ऐसी जो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगी नेक्स्ट वीडियोस जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं रोज जो बेबी के हैक्स होते हैं कि मतलब उसको किस तरीके से सुलाना है, जो कि मतलब बहुत ही इजी है गाइज, दैट इज लिटरली वेरी मच इजी, बिकॉज ये चीज मैं खुद अलोन एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे आपको बताना चाहिए। तो गाइज, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अच्छी लगी, तो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो भी इसका ग्रेको का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये हम लोगों ने अमेजन से मंगाया है, आप जाके टारगेट से भी ले सकते हैं या सीएल से भी ले सकते हैं, एवरीवेयर दिस ग्रेको जो भी है बेस्ट बाय बेबी में भी था, वहां पर और भी ज्यादा कूल ग्रेको थे। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाय, इसके साथ एक ये डायपर चेंजिंग बेसिनेट तो था ही, और एक और बेसिनेट था जिसमें मतलब आप बेबी को नॉर्मली आप उस पर लिटा सकते हैं, अगर आप कहीं भी हैं या बाहर हैं तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि आप पूरा बेसिनेट उठाकर बाहर की साइड ले जाए, राइट? तो इसके ऊपर एक इसी टाइप से, बट वो ज़्यादा गहरा था और उसमें आपका बेबी इजिली सो सकता है और इजिली आपका बेबी उसमें रह सकता है, तो दैट इज़ रियली वेरी वेरी कूल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब इस बेसिनेट के साथ आपकी वो जो दोनों चीज़ें थी, एज सच आई विल शो यू, जस्ट वेट, आई विल टेक इट आउट। सो गाइज, आप ये देख रहे हैं, ये पूरा पालना जो था इसके साथ एक और ये जो पालना था वो मिला था, एंड लिटरली ये बहुत हमारे काम में आया, हमने इसको बहुत यूज़ करा, बट अब नाउ हमारी बेबी इज़ ग्रोइंग सो फार, नाउ शी इज़ 7 मंथ, तो ये जो है इसका इतना यूज़ का नहीं है, तो ये हमारा बेसिकली रखा हुआ है। तो ये यहाँ पर जिस तरीके से वो मैंने अटैच करा था, ये भी यहाँ पर इसी तरीके से अटैच होगा। गाइज, एज यू कैन सी कि मैंने अटैच कर दिया, इजिली यहाँ पर आपका बेबी आ जाएगा, और आप ये मूवेबल है, आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। मैं इसको उठाकर अगर अपने किचन में ले जाना चाहती हूँ, किचन के पास, तो मैंने वहाँ पर भी इसको यूज़ करा था, या जब मैं कहीं पर भी कुछ काम कर रही थी तो इसमें मेरा बेबी आराम से सोती रहती थी, एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं ये पूरा कॉटन है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और पीछे पूरा सपोर्ट है बिल्कुल अच्छा खासा। तो लिटरली गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, तो आई थिंक आपको ये ग्रेको का जो है बेबी बेसिनेट लेना चाहिए अगर आप अकेले हैं, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, दिस इज रियली अ गुड प्रोडक्ट। एंड गाइज, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो देन गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एज नेक्स्ट टाइम भी मैं और इस टाइप के वीडियोज लेते आऊँगी, इट रियली हेल्प्स यू। बाय बाय, हैव अ